बात करने के लिए मैं माइक पे देवा जी को बुला रही हूँ। सभी को प्रणाम और नमस्कार। पर अब पहले कुछ दो चार चीजें हम आपस में डिस्कस करके समझ ले, फिर उसके बाद आंचल और परचम दोनों को छुएंगे। अभी आंचल अलग रह गया है, परचम अलग चल रहा है, कैसे कैसे छूना है, क्या क्या करना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो परिचय देने की किसी को भी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि सब अपने आप में एक हस्ताक्षर यहाँ मंच पर मौजूद है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ आज मंच शेयर कर रही हूँ। अपने आप में बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं और मुझे बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है इनके साथ क्वेश्चन आंसर करने का। रचना जी, आप सब मधुरिमा पढ़ते हैं, तो मधुरिमा रचना जी का बेबी है और हर बार एक नया अंक लेकर आना, हर बार उसके बारे में सोचना, उसका लेआउट से लेकर और उसके बारे में कितनी एडवांस तैयारी कर रहे होते हैं, ये रचना जी के साथ जब मैं रहती हूँ तो तब मुझे पता चलता है कि कितनी एडवांस तैयारी ये करके रखती है और कितनी बारीकी से एक एक चीज़ को सोचती है। तो किसी भी चीज़ की सफलता के पीछे हम बोल देते हैं कि हाँ मधुरिमा बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, लेकिन उसके पीछे का जो पेन है, लेबर, हम सब महिलाएं हैं, हम प्रसव पीड़ा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो प्रसव पीड़ा ये हर बुधवार गुजरती होंगी उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और निर्मला जी के बारे में तो मैं आई शुड नॉट बी सेइंग एनीथिंग बिकॉज मैं उनसे बहुत छोटी हूँ और ये कदमें छोटी है लेकिन जितनी ऊपर है उससे बहुत ज़्यादा नीचे है और हम सब इनको पढ़ रहे हैं, आनंद लेते हैं इनकी पढ़ाई का। विदुषी महिला है, जो भी महिला कॉलम लिखती है उसको मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को अपडेटेड रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं मिसेज नागपाल को रोज देखती हूँ और मुझे हमेशा ये समझ में आता है कि मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड महिला है वो, वेन शी इज माई मदर एंड शी इज इन्फॉर्म्ड सो मच सो कि कई बार कौन सी एक्ट्रेस का बेटा हो गया है ये भी उनको पता रहता है, मुझे पता नहीं रहता क्योंकि वो इतना पढ़ती है। तो जो पढ़ने की विधा और कला है वो अपने आप में बहुत अनुपम है जो हम आज भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग जो हमको पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, ऐसी निर्मला भराड़िया जी, और मेरे साथ जो बैठी है वो यंग लॉयर है वर्षा, हाईकोर्ट की लॉयर है। वर्षा से मेरा परिचय हुआ था एज ए पेशेंट, मूलतः मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो शी हैपन टू बी माई पेशेंट, बट शी इज एन ऑसम लॉयर, जिसको हम बोलते हैं दबंग महिला लॉयर, कि जो किसी को कोर्ट में जाके छील दे, ये वो वाली लॉयर। और ज्वाला के ज्वाला जो संस्था जो हम महिलाओं के लिए चलाते हैं उसमें हमारी अमूमन मेरी मदद के लिए वर्षा मेरे साथ होती है और जिस बेबाकी से और दबंगाई से वो मैटर को ये डील करती है उस कारण से आज ये यहाँ। तो स्वागत है आप सभी का। रचना जी, मेरा पहला क्वेश्चन स्ट्रेट आपको, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि महिला सुरक्षा, जैसे तैयार भी होते हैं तो पूछते हैं कि क्या मटी ले रही हूँ, रंग भी हम किसी और से पूछ कर अपने लिए तय करते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, बहुत बाद में आती है वो बात की माँ बनना है तो किसकी माँ बनना है, बेटे की ही बेटा की, ये चॉइस भी आपके पास नहीं है, पढ़ाई की चॉइस आपके पास नहीं है, बेशतर मतलब बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है महिला वर्ग का जो नहीं तय कर पाता अपने बारे में, यहाँ तक कि वो कौन सी सब्जी खाएगी, वो सारी चीज़ें बनाती थी लोगों के लिए। मोस्ट ऑफ द वुमेन अगर आप पूछेंगे कि अगर घर में कोई नहीं है तो वो कोई फास्ट फूड खा के काम करेंगे, वो न्यूट्रिशन अपने लिए बनाती ही नहीं, तो जब आप अपने बारे में सोचते ही नहीं है पहले अपनी निगाहों में खड़े हैं वहाँ सुरक्षित होंगे, जब हम अपने सामने उसको खड़ा करके सुरक्षित करेंगे तब हम सुरक्षा की बात वहाँ से शुरू करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि हर रोग का इलाज उसकी जड़ से होता है, तो ये जड़ है, जहाँ सोच में असुरक्षा है, अपने आप को लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं है, अपने बारे में नहीं ही सोचते, तो पहले खुद को मान दें, सम्मान दें, अपनी हर चीज़ के बारे में सोचें, उसके बाद हम किसी और से बात कर सकते हैं कि आप मुझे मान। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.